विश कर सकते हैं उनको? हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैं तो विश करता हूँ दिवाली, हैप्पी दिवाली। मेरे दोस्त है हिंदू कम्युनिटी से, मैं उनको विश करता हूँ जी। आज दीपावली है, मैं खुद आज बड़ा खुश हूँ। एक मैंने पार्टी हमने उस दिन मैंने की, मैंने आपको क्लिप भेजूंगा। हमने सनातन धर्म में जितनी भी पाठ पूजा है और जितने भी फेस्टिवल्स हैं, उन सारे फेस्टिवल्स में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत वैल्यूबल बातें हैं। मुझे आरजू एटलीस्ट 100-200 अपने मेरे हिंदू भाइयों की के मैसेजेस आ चुके हैं। और अभी मैं जिस तरह आपसे पूछ भी रहा था, आज मैंने सोचा हुआ कि बैठ के सबको मैं रिटर्न मैसेजेस करूंगा और साथ दुआ भी दूंगा अगले आने वाले साल के अंदर, इसी तरह उनकी जिंदगी में रोशनियां आए, खुशहाली आए, सेहत हो। और आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे हिंदू भाई बहुत खुश हैं। सो इस अ फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड। तो आप सभी को पता होगा दीपावली के बारे में, जो कि भारत में इसको किस प्रकार से मनाया जाता है, कितने बड़े लेवल पे इसको मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि दीपावली की भारत का किस प्रकार इतना बड़ा फेस्टिवल इसको कहा जाता है। इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक की राय, किस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। जब दुबई के शेख ने इस दिवाली के लिए दुबई को 4 दिन के लिए बंद किया दोस्तों, लोगों को छुट्टियां दे दी 4 दिन के लिए। सभी को पता होगा कि दुबई जो है एक मुस्लिम कंट्री है। सऊदी अरब ने क्यों उनको जो है ना वो विश किया है, तो ये मेरे ख्याल से ये आजकल के दौर में ये एक रेडिकल बात है। हम विश कर सकते हैं उनको? हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैं तो विश करता हूँ दिवाली, हैप्पी दिवाली। मेरे दोस्त हैं हिंदू कम्युनिटी से, मैं उनको विश करता हूँ जी। वेरी गुड। अच्छा, पहले तो खबर आ रही थी कि इसराइल ने बोला कि हमें 1 लाख इंडियन वर्कर्स चाहिए, ताइवान भी बोल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, वर्कर चाहिए दिवाली का गिफ्ट, दिवाली का गिफ्ट आप समझे जो भी है। देखें यहाँ पे जो एक बंदा बेरोजगार पड़ता, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको सुनाना चाहूँगा। मेरा ताल्लुक जो ना वो डिस्ट्रिक्ट बागपतन से है, बाबा फरीदुद्दीन का वो शहर है। वो कहते हैं कि 5 रुकों ने सलाम दे ते छीवा टोक, जे ना लब्बे छीवा ते पंजे ही जाते मुक। जो तो एक बंदे रोजी नहीं मिलनी तो फिर उन्हें किधर जाना, उनके वास्ते मतलब मैटर नहीं करेगा। इसराइल होवे, चाहे इसराइल हो, चाहे फलस्तीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे उसके लिए सऊदी अरब हो, अगर वो एक देखो दिवाली भगवान राम के अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है। भगवान राम वनवास पे गए थे और वहां से वो लौट करके आए थे, तो दीप जला करके उनके वापस रिटर्न आने पर, उनके वापस आने पर इस उत्साह पर दिवाली दिवाली मिठाइयां दीप जला करके दिवाली मनाई गई। इसकी दो रीजंस है। मसला ये है कि पॉलिटिशियन होने से अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सारी चीजें होती हैं कि आपके यहाँ सिस्टम कैसा है। ठीक है, अब आपका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कई मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं 15 साल बाहर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ का ये है कि वहाँ पॉलिटिशियन से के फेसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उन्होंने सिस्टम बना दिया वो है। चूँकि इंडिया ने थ्रू आउट डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है, वहाँ कभी माशाल्लाह या इस तरह की आर्मी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है, तो उनका जो सिस्टम है, मोदी साहब आए, मोदी साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने थोड़ा सा एंटी इस्लामिक इश्यूज़ कह लें, या ये कह रहे हैं कि जो उनके यहाँ का मजहबी फिरका वरारियत है, उस बेसिस पर उन्होंने वोट लिए। लेकिन सनातन धर्म में जितनी भी पाठ पूजा है और जितनी भी फेस्टिवल्स हैं, उन सारे फेस्टिवल्स में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत वैल्यूबल बातें हैं। अनम, अब देखो, राम मंदिर को लेकर के बहुत विवाद हुआ आपके यहाँ भी पाकिस्तान में, अवेसी जैसे लोगों ने और कुछ मुसलमानों ने बहुत विवाद जो है वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए बोला कि राम मंदिर जो है वो बनेगा तो उससे क्या लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। अब मैं पहले तुमको ये बताऊं कि राम मंदिर की जो नींव रखी गई है, और 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर का जो उद्घाटन है, और आज दीपावली है। मैं खुद आज बड़ा खुश हूँ। एक मैंने पार्टी हमने उस दिन मैंने की, मैंने आपको क्लिप भेजूंगा। हमने बड़ा अल्ला गुल्ला किया दिवाली का सिख बरादरी के साथ यहाँ पे। जसदीप जो कि मेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इवेंट किया, तकरीबन 150-200 लोग थे। और मंडे को एक हमारी एक और है दिवाली, उसमें तो खैर गवर्नर जो है वेस्ट मोर हमारे स्टेट के, जो आगे वाइस प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनेंगे, वो अपने घर में कर रहे हैं पार्टीज की, तो ही साबित होगा। तो उसी तरीके से राम मंदिर के लिए 2 डेकेड से ज्यादा सनातनियों ने, हालांकि 82.7% मेजोरिटी होने के बावजूद भी उन्होंने किसी भी तरीके का कोई कसाईखाना तो दूर दूर तक नहीं खोला, कोई झगड़ा झमेला भी नहीं किया, साफ तरीके से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बे इंतहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सप्लीमेंट्री पिटिशन दिए। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हारे वो केस
और वो अपने तथ्यों को नहीं रख पाए, वो साबित नहीं कर पाए कि वो बाबरी मस्जिद है। और हिंदुओं ने साबित किया, सनातनियों ने साबित किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट हुआ, सब कुछ हुआ, तब पता चला कि नहीं भाई ये राम अयोध्या है। मुझे आरजू एटलीस्ट 100-200 अपने मेरे हिंदू भाइयों की कि मैसेजेस आ चुके हैं, और अभी मैं जिस तरह आपसे पूछ भी रहा था, आज मैंने सोचा हुआ कि बैठ के सबको मैं रिटर्न मैसेजेस करूंगा और साथ दुआ भी दूंगा अगले आने वाले साल के अंदर इसी तरह उनकी जिंदगी में रोशनियां आए, खुशहाली आए, सेहत हो। और आज मैं बड़ा खुश हूँ इट्स क्योंकि मेरे हिंदू भाई बहुत खुश हैं। सो इस अ फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड मैटर ऑफ फैक्ट। ने आज चाहे 10-10 मिनट के लिए वहां पे अपने शमूलियत की है, क्या मुस्लिम आपके अलावा वहां और भी है जो कि इस चीज को मतलब ठीक समझते हैं या फिर करना चाहते हैं, दिवाली में पूजा के लिए बैठते हैं या फिर उस जगह के अलावा पूरे ऑल इंडिया में देखें तो मुस्लिम इस चीज को प्रमोट करते हैं? हाँ हाँ हाँ, देखो अवेसी टाइप के कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम में तफरका करते हैं, अवेसी टाइप के जो लोग हैं, जो जिहादी टाइप के लोग हैं, हमारे भारत में जो पाकिस्तानी माइंडेड लोग हैं, वो लोग ये तफरका करते रहते हैं और करवाहट जो है वो बिखेरते रहते हैं। पर एक भारी मेजोरिटी है जो बहुत खूबसूरत तरीके से दिवाली और सारे पूजा को मनाती है। तो आज सभी लोगों ने वीडियो में देखा पाकिस्तानी पब्लिक की राय किस प्रकार से, पाकिस्तानियों को यह बात सुनकर हैरानी हुई कि एक मुस्लिम कंट्री है जो भारत की दिवाली यानी भारत के बिग फेस्टिवल पर जो कि अपने देश में मुस्लिम होकर 4 दिन की छुट्टियां मना रहा है। सभी को पता होगा कि दुबई में जितने सारे एम्प्लॉय बड़े हाई लेवल पर वहाँ पर बिजनेस होता है, सभी को पता होगा कि सारे के सारे वहाँ पर हिंदू यानी दोस्तों भारतीय लोग बसे हुए हैं, आधा से ज्यादा जो है कि अब बस चुके हैं भारतीय, पूरे दुबई को छेक लिए हैं। सभी को पता होगा कि दुबई जो है भारतीय लोगों पर डिपेंडेंट हो चुका है, इसी वजह से दुबई भी जानता कि अगर हम इसको जो है कि अच्छी खासी सहूलियत देंगे और इनको इज्जत करेंगे तो हमारी देश को और आगे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि आज सभी को पता होगा कि जितने हाई लेवल के जो कि यहाँ से फ्रूट बनते हैं या यहाँ के जितने भी चीज़ होती हैं गेहूं चावल और भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें वहाँ पर दुबई में जाती हैं और उसका यूज करते हैं दुबई वाले। दुबई को भी शेख को भी बताया कि दुबई जो भारत से अगर रिलेशन अच्छा खराब कर लेंगे तो हमारा क्या दशा होगा। पाकिस्तान की तब बात ही छोड़ा, सभी बताया कि दुबई के शेख को भी बताया कि पाकिस्तान दुबई के शेख दोस्तों जो खुद कहते हैं कि हम 2010-11-12 से जो कि पाकिस्तान में नहीं गए हैं, पहले जब जाते थे तो पाकिस्तान जो है अच्छा जो है कि हमें महसूस होता था, लेकिन अब जो कि तालिबान साहब सभी बताया पाकिस्तान का जब से लफड़ा हुआ है इस प्रकार उनका दुनिया में नाम बन चुका है आतंकवादियों के नाम से कि दुबई के शेख भी डर रहे हैं पाकिस्तान में हलने से। उन्हें पता है कि अगर हम वहाँ पर जाएं गलती से भी कोई बम बारूद या कुछ भी फेंक दे हमारे ऊपर, आप सभी को पता है इतने बड़े लेवल के लोग हैं अगर बम बारूद में अगर मारे जाते हैं तो किस प्रकार से उनकी बदनामी होगी। इन्हें वहाँ पर जाने के लिए किसी ने बोला था जब इनकी जो कि था कि दुनिया में इसका किस प्रकार नाम बना हुआ पाकिस्तानियों का, भारत का सभी को पता हुआ किस प्रकार से दुनिया में इज्जत बनती है, भारत बनती जा रही है भारतीयों को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो जरूर लाइक करना।